हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द यूपीएससी क्लासेस। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज यूपीएससी क्लास में जो टॉपिक है वो बायोडायवर्सिटी। तो इससे पहले भी दो क्लास में बायोडायवर्सिटी के ले चुका हूँ। बायोडायवर्सिटी में इससे पहले हमने बता दिया था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी। आपको पता है द रिचनेस इन द वेराइटी एज वेल एज द वेरिएबिलिटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन हैबिटेट इस कॉल्ड द बायोडाइवर्सिटी। डेफिनेशन आपको बताया था हमने, डब्ल्यू बी रोजन ने दिया था और एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था। फिर यहाँ पर टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देख ली थी, यहाँ पर लेवल्स, जेनेटिक लेवल था, स्पेसिफिक लेवल था, इकोलॉजिकल लेवल था। फिर लेवल्स के बाद हमने देख लिया था यहाँ पर कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि जो लैटिट्यूडनल पैटर्न है इसके अलावा यहाँ पर क्या है, एरिया स्पेसिफिक पैटर्न है, इसके आधार पर बायोडाइवर्सिटी देख ली थी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के पार्ट्स पढ़ लिए थे, अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एज वेल एज द गामा डाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में हमने आपको बताया था कि कितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स ऑल ओवर द अर्थ या पूरे ग्लोब में किस तरह से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैले हुए हैं, और क्या क्या उनमें वेरिएशंस हुए हैं, कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं। जो बेसिक यूनिट होती है वो स्पीशीज़ होती है और स्पीशीज़ लेवल के आधार पर ही हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं। आपको पता है कि फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ अप टू द एवोल्यूशन, जब से अर्थ की उत्पत्ति मानी गई है 3 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर के अभी तक अप्रॉक्स 7 मिलियन स्पीशीज़ एस्टिमेट की गई हैं। रॉबर्ट में एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को 7 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली माना है और कहा है कि फ्रॉम द 7 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिलियन स्पीशीज आर डिस्कवर्ड। इतनी स्पीशीज अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, खोज चुके हैं, एंड रेस्ट क्या है यहाँ पर, अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक बाकी की डिस्कवरी नहीं की जा चुकी है। तो 7 मिलियन में से केवल 1.5 मिलियन जो डिस्कवर कर चुके हैं, इसमें जो 70% पार्ट है वो एनिमल्स का है और इसके बाद जो 30% पार्ट्स है वो किसका है, यहाँ पर प्लांट्स का है। एमंग द एनिमल्स द 70% पार्ट बिलोंग्स टू द इंसेक्ट्स। एनिमल्स में भी जो 70% पार्ट इंसेक्ट्स का बिलोंग करता है और बाकी 30% में सारे फाइलम के एनिमल्स हैं, उसमें वर्टिब्रेट्स भी हैं, उसमें अदर देन इंसेक्ट्स ऑल द फाइलम्स ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स हैं। तो ये जो रॉबर्ट मे ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, अप्रॉक्सीमेटली अपना एस्टिमेट दिया कि इतने मिलियन स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं, इतने मिलियन भी और एक्सप्लोर की जाएंगी, ये सब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बायोडाइवर्सिटी के इस पार्ट में हम पढ़ते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो लॉस हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का, किस तरह से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अभी तक अनडिस्कवर्ड हैं वो स्पीशीज़ भी क्या हो रही हैं, लॉस्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो डिस्कवर्ड स्पीशीज़ हैं वो भी एंडेंजर्ड हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ क्या हो चुकी, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसको हम आज पढ़ते हैं, आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम देखते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अकॉर्डिंग टू IUCN, IUCN आपको पता है, अभी लास्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम यहां पर जितनी भी इंटरनेशनल क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड टू द कंजर्वेशन और द बायोडाइवर्सिटी, उसका अध्ययन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द IUCN, IUCN इज ऑल्सो द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका पूरा नाम आपको पता है क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो इंटरनेशनल यूनियन है इसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली
728 स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। अभी तक हमारी 728 स्पीशीज क्या हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो चुकी हैं विद इन 500 ईयर्स। तो 500 ईयर्स के टाइम ड्यूरेशन में 728 स्पीशीज एक्सटिंक्ट माने विलुप्त हो गई हैं। एंडेंजर्ड तो थाउजेंड्स में है, लेकिन ये स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं। दिस इज द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। इतनी तेजी से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स सब इतनी तेजी से डैमेज हो रहे हैं, और इन 728 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट एज वेल एज अप्रोक्सीमेटली 15,500 स्पीशीज आर इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड, या 55,500 स्पीशीज एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखे गए। इसका मतलब है कि 15,500 स्पीशीज हमारी इधर कुछ समय में क्या हो रही हैं, एंडेंजर्ड हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा क्या है, खतरे में है। अब ये जो स्पीशीज हैं, इस स्पीशीज के कारण से जो हमारा इकोलॉजिकल जो बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, इस इकोलॉजिकल बैलेंस को बचाने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, वो तो कंजर्वेशन है। अब कंजर्वेशन पढ़ने से पहले जो एंडेंजर्ड के सबसे पहले जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, दीज आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज नियर अबाउट, अभी जो तुरंत क्या हुई हैं, एक्सटिंक्ट विलुप्त हुए हैं, उसमें एग्जाम्पल है डोडो। डोडो एक पक्षी था, मॉरिशस का है, ये क्या हो गया है, यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुका है। जो डोडो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का था, क्योंकि क्या था, ये लार्ज बर्ड थी। जैसे हमारा जो आर्कियोप्टेरिक्स है वो क्या माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का, तो उसी तरह से डोडो भी यहाँ पर एक लार्ज बर्ड थी जो अब यहाँ पर विलुप्त हो चुकी है। एक क्वेगा है, क्वेगा, ये क्वेगा अफ्रीका का है, ये भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। ये एक एनिमल है क्वेगा के अलावा, स्टीलर काऊ। तो जो स्टीलर सी काऊ है, इज अ स्टीलर सी काऊ ऑफ रशिया, ये भी क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, और इसके अलावा वेरियस वैराइटीज ऑफ द लाइन, वैराइटीज ऑफ लॉइन एज वेल एज, दिस आर द एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब ये जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं इसमें, तो अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखना है हमको कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी का बहुत तेजी से लॉस हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि जो पैसिफिक ओशियन आइसलैंड्स हैं, हमारे जो प्रशांत महासागर में जो आइसलैंड्स हैं, यहाँ पर आइसलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस, ठीक है, हमारे जो पैसिफिक ओशियंस में जो आइसलैंड्स हैं उनमें बहुत तेजी से क्या हो रहा है, यहाँ पर कोलोनाइजेशन हो रहा है। तो ये जो आइसलैंड्स ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक, तो ट्रॉपिकल आइसलैंड्स हैं, ट्रॉपिकल आइसलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशियंस, यहां पर क्या हो रहा है, एक्सटेंशंस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ नेटिव बर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 2000 स्पीशीज, जो नेटिव बर्ड्स की लगभग 2000 स्पीशीज हैं पैसिफिक आइसलैंड्स में, आर क्या है, इनका एक्सटेंशन हो गया है। अब क्यों हो गया है, ड्यू टू द कोलोनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। पहले जो पैसिफिक ओशियंस के ट्रॉपिकल आइसलैंड्स थे वहां पर कोई नहीं रहता था, धीमे धीमे ह्यूमन का कोलोनाइजेशन हुआ, मनुष्य ने क्या करी, अपनी बस्तियां बना ली, और जैसे ह्यूमन एक्टिविटी वहां पर बढ़ी
तो ड्यू टू द ओवर एक्सप्लाइटेशन एज वेल एज द ग्रीड ऑफ द एनिमल्स, मनुष्य में सबसे ज़्यादा ग्रीड है, लालच है, नीड के साथ साथ जब ग्रीड बढ़ने लगी तो नीड तो ज़रूरत थी, तो ज़रूरत के हिसाब से हम एनिमल्स और प्लांट्स का यूज़ करते हैं, नेचर भी हमको अलाउ करता है और करना भी चाहिए, लेकिन नीड के साथ साथ जैसी ग्रीड बढ़ने लगी तो यहाँ पर अप्रॉक्स 2000 स्पीशीज ऑफ द नेटिव बर्ड्स बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। तो दिस इज ऑल्सो द बिग लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का ये जो लॉस हो रहा है कंटिन्यूएशन में, तो एक्सटिंक्ट हो रही हैं थाउजेंड्स ऑफ वेराइटी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हो गई हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में शामिल हुई हैं उसमें एम्फीबियंस में है अप्रॉक्सीमेटली 15,500 स्पीशीज़ आर एंडेंजर्ड एंड इन द एबव कैटेगरी, जो एबव कैटेगरी है यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ 32% किसका है यहाँ पर एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस स्पीशीज। ये जो एंडेंजर्ड हैं इसमें लगभग 32% स्पीशीज़ जो हैं वो किसकी हैं एम्फीबियंस की हैं, इसके अलावा किसकी हैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 23% स्पीशीज़ यहाँ पर किसकी हैं मैमेलियन स्पीशीज़ हैं। अप्रॉक्सीमेटली 12% जो स्पीशीज़ हैं वो किसकी हैं बर्ड्स स्पीशीज़ हैं। ये एक्सटेंट हो रही हैं, ये एनिमल किंगडम में है। अगर प्लांट किंगडम में देखें, इन प्लांट किंगडम अप्रॉक्सीमेटली 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें 31% जिम्नोस्पर्म की जो स्पीशीज़ हैं वो क्या हो रही हैं आर एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का मतलब है कि वो खतरे में हैं और निकट भविष्य में बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं, इसलिए इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है वो इन्हीं सब स्पीशीज़ के लिए है कि किस तरह से इन स्पीशीज़ को हम क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं। तो एक अप्रॉक्सीमेटली एक आंकड़ा निकाला गया, जितने भी हमारे यहाँ पर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं और जितने भी रिसर्चर्स हैं रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, उन्होंने कहा कि विद इन या विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ टू एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर एवोल्यूशन तक अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर्स ड्यूरेशन। ये जो 3 बिलियन ईयर्स का जो ड्यूरेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 times मास एक्सटेंशन माने बहुत ज़्यादा तेज़ी से जब क्या होता है नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक के अलावा आपके फ्लड्स आ सकते हैं, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर होता है, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, कैटास्ट्रॉफिस भी कहते हैं। तो 5 times मास एक्सटेंशन टेक्स प्लेस, तो ये 5 times मास एक्सटेंशन हो चुका, ठीक है, ड्यू टू विच एंड नाउ द 6th मास एक्सटेंशन विल बी अकर्ड इन अप्रॉक्सीमेटली 100 year ड्यूरेशन। ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें लगभग 100 साल की ड्यूरेशन में जो 6th मास एक्सटेंशन होगा, ठीक है, इसका मतलब है जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होगी दैट इज कॉल्ड द मास एक्सटेंशन ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटीज, इट इज 100 to 1,000 टाइम्स ग्रेटर देन द
एबव 5 times मास एक्सटेंशन या एबव मास एक्सटेंशन। इससे पहले जो हो चुके हैं यहाँ पर मास एक्सटेंशन प्रीवियस भी लिख सकते हैं, एबव प्रीवियस मास एक्सटेंशन। जो वर्तमान में जो मास एक्सटेंशन 6 होने वाला है विद इन 100 years, ये 100 से 1000 times ज़्यादा तेजी से होगा देन द एवर प्रीवियस, इससे पहले जो मास एक्सटेंशन हो चुके हैं उसकी तुलना में। और अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, जो हमारा 50% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में जितनी स्पीशीज हैं उसका 50% विल बी लॉस्ट, मतलब 50% प्रजातियां विद इन 100 years, जो इन फ्यूचर में 100 years आने वाले हैं उसमें क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो आप देखिए इतनी तेजी से मास एक्सटेंशन हो रहा है, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि केवल किसी पर्टिकुलर स्पीशीज के नष्ट होने से ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरा ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है, आप सोचें कि केवल पर्टिकुलर स्पीशीज नष्ट हो गई है तो उससे हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दिस इज द एक रॉन्ग फिनोमिना। सपोज करिए इफ ऑल द बर्ड्स आर डैमेज्ड, ठीक है, जितनी बर्ड्स हैं, ऑल द बर्ड्स बिकम डैमेज्ड, ठीक है, तब क्या होगा, देन द पॉलिनेशन स्टॉप्स। जो पॉलिनेशन हो रहा है किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं, ऑर्निथोफिली। तो ये जो यहाँ पर ऑर्निथोफिली है, बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो देन द पॉलिनेशन मीन्स ऑर्निथोफिली विल बी स्टॉप्ड। जितना बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है वो रुक जाएगा, जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सीड नहीं बनेंगे और नए प्लांट ग्रो नहीं करेंगे। हर एनिमल स्पीशीज का या प्लांट स्पीशीज का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, किसमें, बायोडाइवर्सिटी में। उस स्पेसिफिक रोल को कोई भी दूसरी स्पीशीज फुलफिल नहीं कर सकती। सपोज करिए कि ये फूड चेन में हम आते हैं, दीज आर द क्या है यहाँ पर, ऑटोट्रॉफ्स हैं। सपोज करिए मैं इसको ग्रासेस लिख दिया, इफ एंड रैबिट डिपेंड्स अपॉन द ग्रास एंड फॉक्स डिपेंड ऑन द रैबिट्स एंड लॉयन डिपेंड्स ऑन द फॉक्स एज वेल एज द रैबिट्स। ये फूड चेन है, फूड चेन में किसी भी एक स्पीशीज के डैमेज होने से ड्यू टू द हंटिंग ऑफ ऑल द लॉयंस इन द फॉरेस्ट, अगर सारे शेरों को जंगल में मार दिया गया या मार दिया जाए, अभी कुछ रह गए, काफ़ी कुछ तो डैमेज हो चुके हैं, तो क्या होगा, द नंबर ऑफ द फॉक्सेस एज वेल एज द रैबिट इंक्रीज इनॉर्मसली, बहुत ज़्यादा तेजी से इनकी संख्या बढ़ेगी रैबिट के और फॉक्स की। और क्या होगा, ये दे आल यूज द ग्रासेस एज वेल एज द ऑटोट्रॉफ्स एंड द ऑटोट्रॉफ्स आर नॉट अवेलेबल टू द किसको, ह्यूमन बींग्स। मेनली अगर ह्यूमन की हम बात करें तो ह्यूमन बींग्स को या जितने भी यहाँ पर क्या हैं, हर्बीवोर्स हैं, उन हर्बीवोर्स को रैबिट ने सारे ऑटोट्रॉफ को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया, खा लिया, तो हमारे लिए जो फूड प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन नहीं होगा। अब एक स्पीशीज के डैमेज होने से पूरी फूड चेन क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। यही कंडीशन बायोडाइवर्सिटी में है कि बायोडाइवर्सिटी में किसी भी एनिमल या प्लांट स्पीशीज के पूरी तरह से लॉस होने या डैमेज होने से पूरा इकोसिस्टम ग्लोबली डिस्टर्ब हो जाता है। और इसीलिए वर्ड यूज होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कि हमें कंजर्वेशन करना है। तो कंजर्वेशन टॉपिक हम पढ़ेंगे, कंजर्वेशन पढ़ने से पहले अभी हमने यहाँ लॉस पढ़ा, हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द लॉसेज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाए। तो जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, तो अगर यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इट लीड्स टू क्या करेगा, ये इट लीड्स टू जो हमारा रेजिस्टेंस है,
ठीक है, किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति या स्पीशीज का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, लोअर्ड रेजिस्टेंस, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस। हमारा जो रेजिस्टेंस है या स्पीशीज का जो रेजिस्टेंस है इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति वो कम हो जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो तुरंत साइड इफेक्ट होगा और हम क्या हो जाएंगी, हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी मींस जो स्पीशीज की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रति क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर स्पीशीज कम हो जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, प्लांट्स होंगे तो फूड के रूप में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फॉडर का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मेडिसिनल जो है जो वैल्यूज़ हैं या मेडिसिनल सब्सटेंस उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जो वुड हमें मिलती है किससे, प्लांट से या फॉरेस्ट से, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अगर एनिमल्स का केस ले लें तो एग प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर वो एग लेइंग एनिमल्स हैं, अगर वो मीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीट प्रोडक्शन कम हो जाएगा, मिल्क प्रोड्यूसिंग है तो मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर वो यूजफुल इंसेक्ट हैं, सिल्कवर्म है तो सिल्कवर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अगर लेसीफर लैक्का मैंने लैक इंसेक्ट है तो लैक का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हनी भी है तो हनी का और वैक्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो ऑलवेज द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन एज वेल एज यहाँ पर क्या होगा, जो पेस्ट डिसीज साइकिल है, पेस्ट डिसीज साइकिल वो क्या कर जाएगी, इनॉर्मस हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो डिसीज करने की क्षमता है पेस्ट के अंदर, उसकी क्षमता में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब वो बढ़ जाएगी तो पेस्ट, आप जानते हैं किसको कहते हैं, पेस्ट आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज द क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को डैमेज करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कॉल्ड द पेस्ट। मे बी माइक्रोऑर्गेनिज्म, मे बी बिलोंग टू इंसेक्ट, मे बी बिलोंग टू द एनलिडा, फाइलम एनलिडा। तो पेस्ट आर द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स विच डिक्रीजेस द प्रोडक्शन। तो पेस्ट डिसीज साइकिल क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी इसमें। तो ये लॉस ऑफ प्रोडक्शन का साइड इफेक्ट है या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का साइड इफेक्ट है। अब बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसके साइड इफेक्ट के बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसको फैक्टर्स देखने के लिए हम देखते हैं कॉजेज नाम वर्ड यूज, क्या वर्ड यूज करते हैं, causes of loss of biodiversity। तो biodiversity के loss होने के क्या reasons हैं, अब जो reasons हैं यहाँ पर तो mainly four reason बनाए गए ना, बहुत reasons बहुत से हैं लेकिन उसको classify कर दिया किसके, four topics के अंदर। तो यहाँ पर जो four topics अंदर कर दिया उसको नाम देते हैं एविल क्वार्टेट। एविल माने, वैसे तो एविल माने दुष्ट होता है, एविल माने राक्षस भी होता है, एविल क्वार्टेट मतलब ये जो चार हार्मफुल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो एविल क्वार्टेट के अंतर्गत जो चार टॉपिक आते हैं, चारों को हम स्टडी करेंगे। पहला है यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, पहला तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया, हैबिटेट अभी हम डिटेल में स्टडी करें। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के बाद वो क्या आ रहा है, ओवर एक्सप्लाइटेशन ड्यू टू द ग्रीड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, लालच हमारा बढ़ रहा है, ओवर एक्सप्लाइट करें किसी स्पीशीज को तो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी। तीसरे पार्ट में हम पढ़ते हैं यहाँ पर ओवर एक्सप्लाइटेशन बाद कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पीशीज, तो एक्जोटिक को एलाइन स्पीशीज भी कहते हैं, बाहरी प्रजातियाँ जो कहाँ इंटर करती हैं,
नए एरिया में, न्यू एरियाज में जो इंटर करती हैं, एज वेल एज द कोएग्जिस्टेंस। दीज आर द एविल क्वार्टेट एज वेल एज द कॉजेज ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस मेन रूप से जो हो रहा है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब चार कैटेगरीज में डिवाइड करने के बाद हम एक एक कैटेगरी को डिस्क्राइब करते हैं। पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एज वेल एज द फ्रेगमेंटेशन। तो आप देखिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट माने होता है द प्लेस, ठीक है, हैबिट माने होता है नेचर, एंड हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एंड फुलफिल देयर नीड्स। ऐसा प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है और उसकी नीड्स पूरी होती हैं, आवश्यकताएँ, दैट इज कॉल्ड द हैबिटेट। ठीक है, अब हैबिटेट में एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, यहाँ पर वो सब अलग अलग है। फिर एक्वाटिक को हम अलग डिस्क्राइब कर देते हैं किसमें, कि फ्रेश वाटर एक्वाटिक है या हैबिटेट है या मैराइन है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल में कर देते हैं यहाँ पर, कि टेरेस्ट्रियल को ग्रासलैंड है, कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, कि टेम्परेट फॉरेस्ट है, इसको हम बाद में अलग से डिस्क्राइब करेंगे। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होता है दैट इज़ द मेन कॉज, मेन एंड प्राइमरी कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर जो कॉज, कारण है बायोडाइवर्सिटी का, वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। अब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं हम, एक तो रीज़न हो सकता है यहाँ पर कि डेवलपमेंट के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करना है हमको, फैक्ट्री लगाना है, कारखाने लगाना है, मिल्स लगानी है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो नेचुरल हैबिटेट है अर्थ का मीन्स फॉरेस्ट, उसको क्या करना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा एरिया। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, रोड फॉर्मेशन कर सकते हैं, रोड के अलावा हमको क्या करना है, डैम फॉर्मेशन करना है, डैम बनाना है, और एटसेट्रा एटसेट्रा, वेरियस टाइप्स का हैबिटेट डिस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मे बी नेचुरल एज वेल एज आर्टिफिशियल। कभी कभी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन नेचुरल हो जाता है, जैसे सपोज करिए फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना। अक्सर आप पढ़ते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, यूएसए में तो कई महीने तक जो हेलीकॉप्टर से आग बुझाते रहते हैं, कि बहुत बड़े जो है क्या है, फॉरेस्ट हैं। इसी तरह से अमेजोनियन फॉरेस्ट है, लंग्स ऑफ द अर्थ माने जाते हैं, 20% ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड इज कम्स फ्रॉम द अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। तो इतने बड़े घने जंगल हैं कि वहाँ से कि 20% पूरे वर्ल्ड की ऑक्सीजन क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। और ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसी का साइड इफेक्ट है कि आज पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण जो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, जो प्लांटेशन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया है। तो एफॉरेस्ट्रेशन एक होता है टॉपिक, और यहाँ पर डिफॉरेस्ट्रेशन होता है। तो हमने पूरी तरह से फॉरेस्ट को हटा दिया, डिफॉरेस्ट्रेशन कर दिया, जंगल विहीन कर दिया पूरे स्पेस को। तो निश्चित है कि ऑक्सीजन का सोर्स केवल प्लांट से ही है। अगर प्लांट्स नहीं है, देयर इज़ नो ऑक्सीजन। वाटर से जो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं, वाटर से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, द ओनली ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द ऑटोट्रॉफ आर द ग्रीन प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर वाया द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया ही ऐसी क्रिया है जिसमें पौधे वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल हम लोग मशीनों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नेचर ने खुद ऐसे ऑर्गेनिज्म दिए हैं जो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन के सोर्स हैं। तो हम उस ऑक्सीजन के सोर्स का मैक्सिमम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से ऑक्सीजन की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। तो ये जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हो सकता है, रोड फॉर्मेशन के कारण हो सकता है, डैम फॉर्मेशन के कारण हो सकता है। और इन सारे फैक्टर्स में आप देखें यहाँ पर कि जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं इसको, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लंग्स ऑफ अर्थ रिलीज 20% ऑक्सीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हमने जगह जगह
इस अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को भी क्या कर दिया, डिक्लाइन करना शुरू कर दिया, और उसके कारण से बहुत ज़्यादा एरिया अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का भी क्या हो गया है, कम हो गया है। आप पूरे वर्ल्ड में देखें या फिर इंडिया के लेवल पर देखें तो इंडिया में भी यहाँ पर हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पर 33% फॉरेस्टेशन होना चाहिए, 33% पूरे अर्थ सरफेस का या पूरी कंट्री का ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्टेशन होना चाहिए, वन आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में रियल सिचुएशन में कितना बचा है, 10-12% बचा है। बाकी जितने भी फॉरेस्टेशन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कि जंगल लगाते नहीं, वृक्ष लगाते नहीं, और वृक्ष को लगातार क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसके कारण से जो हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ह्यूमन बीइंग्स तो ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स या वाइल्ड स्पीशीज विच डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट एज वेल एज द प्लांट्स आर डैमेज्ड आउट। ऐसी प्लांट स्पीशीज़ के साथ साथ बहुत सी एनिमल स्पीशीज़ हैं जिनका जो होम टाउन है वो फॉरेस्ट ही है, तो आप लगातार उसको डिस्ट्रक्ट करेंगे तो वो जो एनिमल स्पीशीज़ हैं एज वेल एज वेरियस टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज़ दे आर डैमेज्ड आउट। अब जब डैमेज हो जाएंगी प्लांट स्पीशीज, उसके कारण से डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एनिमल स्पीशीज़ तो सर्वाइव करती ही हैं, उन पर डिपेंड रहती हैं यहाँ पर प्लांट्स पर, प्लांट स्पीशीज़ में क्यों कह रहा हूँ, बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो दूसरे प्लांट्स पर रह करके विदाउट टेक्स द न्यूट्रिशन क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द एपीफाइट्स, एपीफाइट्स हैं ये। एपीफाइट्स क्या करते हैं, दे टेक द सपोर्ट फ्रॉम द लार्ज ट्रीज बट डू नॉट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, न्यूट्रिशन लेंगे तो पैरासाइट हो जाएंगे, लेकिन उसकी सहायता लेकर के क्या ले रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, उस पर चढ़ रहे हैं। बहुत सारे लाइनाज हैं जो यहाँ पर जो बड़े बड़े वृक्षों का सहारा लेके बेल की तरह लिपट करके ऊपर चढ़ते हैं, उनसे केवल क्या ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये सारे जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के थ्रू सब क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब एक टॉपिक आता है यहाँ पर कि ये जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट है और पूरे वर्ल्ड में जितने भी यहाँ पर फॉरेस्टेशन है वो एरिया कम हो रहा है एज वेल एज द फ्रेगमेंटेशन। तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन तो आपको समझ में आ रहा है डिफॉरेस्टेशन, फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक लार्ज एरिया है, सपोज करिए कि एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है फॉरेस्ट कवर, ठीक है 100-200 स्क्वायर मील का हो सकता है, जैसे ही इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे घर में बंटवारा हो जाता है ना, पार्टीशन हो जाता है, तो सबका अलग अलग एरिया फिक्स हो जाता है कि इधर आप रहेंगे या आप रहेंगे, तो जैसे ही ये फ्रेगमेंटेशन होता है, लार्ज एरिया इज डिवाइडेड इनटू द वेरियस स्मॉल एरियाज, तो बहुत सारे यहाँ पर जो स्पीशीज़ होती हैं, स्पीशीज़ आर डैमेज्ड ड्यू टू डिवीज़न ऑफ लार्ज एरिया into fragments। पहले पूरा एरिया एक साथ कवर था, जब एक साथ कवर था तो जी ये सब जो है जो बाउंड्रीज हैं, डिवाइजिंग बाउंड्री या डिविजिंग बाउंड्री जो कहते हैं, वो नहीं थी, उसके कारण से बहुत सारे स्पीशीज़ एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही थी, और बड़े एरिया में बहुत सारी लार्ज स्पीशीज़ रहती हैं, बर्ड्स की रहती हैं, एनिमल्स की रहती हैं, माइक्रोब्स की रहती हैं। जैसे ये छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, तो जब ये पार्ट डिवाइड, मान लीजिए सपोज करिए बीच से रोड निकल गई, ठीक है, यहाँ से बीच ने डैम बना दिया, यहाँ से जो है क्या बने, नहरें बना दी, कैनाल्स बना दी, उसके कारण से जैसे ही ये डिवाइड कर दिया एरिया, तो अपने आप बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ पर डैमेज हो जाएंगी। दिस इज़ कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन बोथ आर सेपरेट प्रोसेस। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक में, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दूसरा क्या है, ओवर एक्सप्लाइटेशन। ओवर एक्सप्लाइटेशन हिंदी में कहते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा यूज, जरूरत से ज़्यादा, जिससे हम कहते हैं लो, हमारा लालच ड्यू टू ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स की जो ग्रीड है, लालच है ह्यूमन बीइंग, इसके कारण से
ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा किसी स्पीशीज पर लोड पड़ रहा है। तो नेचर में इतने सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, सबकी एक नेचुरल लाइफ स्पान होता है, जीवन होता है, सब उसी लाइफ स्पान में जिंदा रहते हैं और उसके बाद नेचुरल डेथ हो जाती है। सपोज करिए कि पिसी कल्चर में जहाँ फिश का डेवलपमेंट या कल्चर हो रहा है, तो हम उतना ही फिश का यूज़ करते जाए जितना फिश का प्रोडक्शन होता रहे। उसी तरह से यहाँ पर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में है कि अगर हमको ज़रूरत पड़ने पर किसी पौधे को, पेड़ को काटना पड़ जाए, तो हम अपने जीवन में उतने पौधे लगा दें, उतने पेड़ लगा दें, ठीक है। तो ड्यू टू ओवर एक्सप्लाइटेशन, तो मनुष्य की लालच के कारण से हम पर्टिकुलर स्पीशीज़ का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी का, और जब ज़रूरत से ज़्यादा दोहन करेंगे तो वो इस बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिन पर लोड ज़्यादा पड़ेगा और वो क्या हो जाएंगी, नेचर से ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो दिस इज़ द ओवर एक्सप्लाइटेशन। तो ओवर एक्सप्लाइटेशन में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देखें यहाँ पर एक वैसा ही एक एग्जाम्पल है कि जैसे कहते हैं कि सोने के अंडा देने वाली जो मुर्गी है उसको मार देना। तो आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में कि एक जो है किसान के पास, या एक जो है जो क्या था जो एग लेइंग एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर लगातार जो जानवर हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए उपयोगी है, उसी तरह से एक मुर्गी थी वो प्रतिदिन एक क्या देती थी, सोने का अंडा देती थी। जब सोने का अंडा प्रतिदिन मिलता था तो जो उसको पाले हुए था उसका जीवन का खर्च आसानी से चल जाता था। धीमे धीमे उसको लगा कि ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रोज़ एक अंडा देती है, ऐसा ना हो इसको मार दिया जाए तो बहुत सारे अंडे जितने इसके पास है सब एक बार में ले लें तो मैं अमीर हो जाऊँगा। तो उसने उस मुर्गी को मार दिया तो एक भी अंडा नहीं मिला, और सोने का अंडा जो प्रतिदिन मिल रहा था वो भी बंद हो गया। वही कंडीशन ह्यूमन बींग्स की है कि ओवर एक्सप्लाइटेशन के कारण हमारी जो बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं उस नीड्स से ज़्यादा हमको लालच आ रहा है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर नेचर का दोहन कर लें, और दोहन करने के बाद चाहे नेचर में वो स्पीशीज़ क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। तो ये वैसे ही एग्जांपल है कि किलिंग ए गूज, गूज को क्या कर देना है, मार देना है, उसी तरह से हम नेचर में यहाँ पर उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। और जो क्या दे रही थी यहाँ पर लिंग गोल्डन एग्स, हम नेचर में प्लांट और एनिमल को या डाइवर्सिटी को नष्ट करके यही काम कर रहे हैं कि किलिंग ए गूज लिंग गोल्डन, की सोने के अंडा देने वाली जो नेचर में बायोडाइवर्सिटी में जो स्पीशीज हैं उनको हमारी जरूरत से ज़्यादा लालच ने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, और इसी कारण से धीमे धीमे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। और ये जो लॉस हो रहा है इससे ह्यूमन बीइंग्स भी क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। आज आप जो माहौल देख रहे हैं, दिस इज द साइड इफेक्ट ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा हम लोगों ने अपनी नीड से ज़्यादा ग्रीड को महत्व दिया है, उसी कारण से रीज़न है। जो तीसरा फैक्टर है हमारा यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक या एलाइन स्पीशीज, किसी बाहरी प्रजातियों को, है ना, द फॉरेन वैरायटी, द एंट्री ऑफ फॉरेन स्पीशीज इन द एरिया, किसी एरिया में विदेशी जाति को जो उस एरिया की ना हो उसकी एंट्री करा देना एक्सोटिक या एलाइन स्पीशीज़ की एंट्री कहलाती है। अब इसके कारण से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। कैसे, आप एक छोटा सा एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन विक्टोरिया लेक लीड टू एक्सटेंशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 नेटिव स्पीशीज ऑफ फिशेज। जो नाइल पर्च नामक एक फिश की वैरायटी विक्टोरिया लेक में हमने एंट्री कराई,
उस विक्टोरिया लेक में एंट्री कराने के कारण से जो 200 नेटिव स्पीशीज थी वो क्या हो गई यहाँ पर डैमेज हो गई। इसी तरह से जो अफ्रीकन कैट फिश होती है, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, एंट्री ऑफ अफ्रीकन कैट फिश। क्लैरियस गैरिपिनस, इसका क्या होता है बायोलॉजिकल नेम है। तो अफ्रीकन कैट फिश की एंट्री से, एंट्री ऑफ अफ्रीकन कैट फिश में लीड टू एक्सटेंशन ऑफ डोमेस्टिक वैरायटी या नेटिव वैरायटीज। नेटिव स्पीशीज का एक्सटेंशन हो रहा है अफ्रीकन कैटफिश के कारण, ये भी क्या है यहाँ पर साइड इफेक्ट है या कॉजेज है लॉस ऑफ बायोडी। एक वैरायटी को एंट्री करने पर अगर सैकड़ों वैरायटी नेटिव वैरायटी नष्ट हो रही हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज। अभी तो हमने एनिमल की वैरायटी देखी, अगर प्लांट की वैरायटी में देखें तो आपने एक नाम सुना होगा पार्थेनियम एंट्री, एंट्री ऑफ पार्थेनियम। पार्थेनियम का एक और नाम है इसको कांग्रेस वीड कहते हैं, कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस वीड, ये पार्टी का नाम नहीं है, कांग्रेस वो प्लांट का नाम। एंट्री ऑफ द पार्थेनियम एंड एकॉर्निया, एकॉर्निया नाम सुना है आपने, वाटर हाइसिंथ कहते हैं, जलकुंभी कहते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जितने पौंड हैं, तालाब हैं, सब में एक बड़े पत्ते वाला वीड पाया जाता है, वीड माने खरपतवार, दैट इज कॉल्ड द आईकॉर्निया, इट इज आल्सो कॉल्ड द वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑल द नेटिव वेराइटीज ऑफ द नेटिव स्पीशीज ऑफ द पॉन्ड या प्लांट्स एज वेल एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर। तो पार्थेनियम जो कांग्रेस वीड है इसकी एंट्री और आईकॉर्निया की एंट्री, ठीक है ना, इट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ वेरियस स्पीशीज एंड हार्मफुल टू इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम के लिए भी क्या है, ये हार्मफुल है और ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल है। पूरे पानी की जो क्वालिटी है पॉन्ड की, वो वाटर हाइसिंथ के कारण से डैमेज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब ये सड़ता है तो पूरे पानी में जो स्मेल आती है, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर ब्लूम, उसके कारण से पानी में उफान आता है, धीमे धीमे झाग आने लगता है। तो मेन रीज़न उसका आईकॉर्निया है। तो ये जो है वाटर ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल, वाटर ब्लूम के कारण जो पानी होता है वो स्मेल करने लगता है और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं और विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोजम, वो सब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्जॉटिक या एलाइन स्पीशीज, दैट इज़ अ साइड इफेक्ट एंड मेन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। नाउ द फोर्थ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड द को एक्सटेंशन, द को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है सहयोग, को एग्जिस्टेंस एज एंड पॉल्यूशन। इसमें दो टॉपिक लेते हैं, को एग्जिस्टेंस भी है। अब को एग्जिस्टेंस क्या है, साथ में रहना। बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था ऑर्किड का, ऑर्किड इज आल्सो ए एपीफाइट है, एपीफाइट कहते हैं इसको। क्या है एपीफाइट, द प्लांट्स विच ग्रो ऑन द ब्रांच ऑफ द अदर ट्रीज, दीज आर द प्लांट्स ग्रोज ऑन ब्रांच ऑफ लार्ज ट्रीज एंड टेक्स सपोर्ट, केवल सपोर्ट लेते हैं, एंड मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ठीक है, एंड सिंथेसाइज देयर ओन फूड। अपना फूड खुद क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं तो दे आर नॉट द पैरासाइट, वो पैरासाइट नहीं है, ठीक है, वो क्या है, एपीफाइट्स है, केवल सपोर्ट ले रहे हैं।
तो ये भी क्या है, कोएग्जिस्टेंस है। इसी तरह से बहुत सारे लाइनाज होते हैं, लाइनाज को हिंदी में कहते हैं बेल, ठीक है, ये बेल है। बेल मतलब बेल का पौधा नहीं, बेल का मतलब है ऐसे ट्विनर्स जो बड़े वृक्ष के चारों ओर सराउंड करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं, ये सब लाइनाज कहलाते हैं। ये लाइनाज भी बड़े वृक्ष का सहारा लेके ऊपर चढ़ रहे हैं सपोर्ट लेकर के, बट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। तो केवल सनलाइट की खोज में, क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी कैनोपी जब होती है और घने वृक्ष होते हैं तो वहाँ से सनलाइट नीचे नहीं आ पाती, तो ये केवल सनलाइट के लिए बड़े वृक्षों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाते हैं, देयर द लाइनाज एज वेल एज। आप और एग्जांपल देखिए, आपने जू क्लोरेला नाम सुना होगा, जू क्लोरेला एनिमल्स का एग्जांपल है ये, द जू क्लोरेला प्रेजेंट इनसाइड द हाइड्रा, इनसाइड द हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर जू क्लोरेला पाया जाता है। हाइड्रा यहाँ पर, तो जब इसके अंदर पाया जाता है तो ये दोनों के अंदर एसोसिएशन रहता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से क्या लेता है, बेनिफिट लेता है। इसी तरह से यहाँ पर आप प्रोटो कोऑपरेशन देख सकते हैं। प्रोटो कोऑपरेशन मैंने एग्जांपल बताया था आदि सहयोग का, कि जैसे किसकी जो है बफेलो की पीठ पे कौन बैठा हुआ है, बगुला बैठा हुआ है, तो बगुला क्या कर रहा है, बफेलो की स्किन से छोटे छोटे से जो पैरासाइट्स होते हैं, स्किन पैरासाइट त्वचा परजीवी, उनको फीड कर रहा है, और बदले में बफेलो को इन पैरासाइट्स से क्या मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है एक्टोपैरासाइट मतलब बाह्य परजीवियों से। ये प्रोटो कोऑपरेशन है, ये भी आदि सहयोग है। इसके अलावा जो हमारा लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स कंटेन द बैक्टीरिया राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। तो लेगुमिनस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है रूट, ये भी क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, कोएग्जिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के साथ क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रेट, और बदले में प्लांट्स इसको क्या दे रहा है, शेल्टर दे रहा है और प्रिपेयर्ड फूड दे रहा है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर कोएग्जिस्टेंस है। इसी तरह से कोएग्जिस्टेंस में ह्यूमन और प्लांट्स का सबसे मेन कोएग्जिस्टेंस है कि जो एनिमल्स होते हैं दे रिलीज द ऑक्सीजन, जो रिस्पिरेशन में ये O2 रिलीज करते हैं, ठीक है, सॉरी CO2 रिलीज करते हैं, एंड प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब्स द CO2 एंड कन्वर्ट्स इट टू द ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड O2 इज यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द रिस्पिरेशन। तो दिस इज ऑल्सो द कोएग्जिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो कोएग्जिस्टेंस करते हैं, बिना एक के दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाता। तो अगर हम वहाँ पर जो मेन रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, कि अगर हैबिटेट हम डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सी स्पीशीज़ जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होंगी वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो कोएग्जिस्टेंस माने होता है इंटरडिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ स्पीशीज़, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंसी। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है पॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं प्रदूषण, बहुत कॉमन है, आपने अक्सर नाम सुना होगा, कहते हैं पोल्यूशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, है क्या पोल्यूशन? पोल्यूशन की सबसे इजी डेफिनेशन आप क्या बताएंगे, बताइए व्हाट इज पोल्यूशन? देखिए सबसे इजी डेफिनेशन पोल्यूशन की, द अनडिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, ठीक है, जो वास्तव में नेचर में नहीं होना चाहिए था, हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, द अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड चेंज, दैट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। किसी भी तरह का अनडिजायरेबल या अनवांटेड चेंज हो रहा है, दैट डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, ऐसा कोई भी चेंज जो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पोल्यूशन। फिर पोल्यूशन में हम अलग अलग टॉपिक आ जाते हैं, कि द एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो अगर जो है एयर में अनडिजायरेबल अनवांटेड चेंज हो रहा है एयर के कंपोजिशन में, दैट इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन।
अगर वाटर के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें अनडिजायरेबल और अनवांटेड चेंज हो रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। अगर लैंड के फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उसमें अगर अनडिजायरेबल और अनवांटेड चेंज हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन। इसके अलावा जो नॉइज़ है वो हमारे कान के लिए जो यूज़फुल नहीं है, है ना, उससे ज़्यादा जो यह क्या है नॉइज़ है, तो फिर यहाँ पे क्या है नॉइज़ पोल्यूशन हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आपको पता ही है यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशंस होते हैं वो तो अनडिजायरेबल अनवांटेड होते ही हैं। तो ये जो पोल्यूशन है इट इज़ आल्सो द मेन कॉज ऑफ द लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो पोल्यूशन से जैसे ह्यूमन बींग्स अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है, उसी तरह से प्लांट्स भी अफेक्टेड होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर बहुत ज़्यादा गंदा पानी ना, कौन सा पॉल्यूटेड वाटर अगर प्लांट्स को आप दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो कम हो जाएगी। आप सोचें कि हम वहीं पर नहा धो रहे हैं और नहाए धोने से जो साबुन का पानी, डिटर्जेंट्स का जो वाटर निकल रहा है वो हम प्लांट को दे दें तो प्लांट ग्रो करेगा, तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इसी तरह से आप सोचें कि अगर यहाँ पर जो सॉइल है, मिट्टी है, उसमें पूरी गंदगी हम फेंकते जाएं, पॉलीथीन फेंकते जाएं, बहुत सारे ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स सॉइल में मिक्स कर दें और वहीं पर जो पौधा लगा हो उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। तो अगर पॉल्यूशन है तो इट आल्सो एडवर्सली अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी में स्पीशीज डैमेज हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी, दिस इज आल्सो द कॉज ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इतने सारे आपने कॉज पढ़ लिए बायोडाइवर्सिटी के। अब हम यहाँ पर देखते हैं पैटर्न्स ऑफ एक्सटिंक्शन, पैटर्न्स ऑफ एक्सटिंक्शन कि जो एक्सटिंक्शन जो विलुप्ति हो रही है उसके पैटर्न्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया यहाँ पर नेचुरल एक्सटिंक्शन। नेचुरल क्या होता है, हर एनिमल या प्लांट की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है, जीवन होता है, और उस लाइफ स्पान के बाद उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज़ द नेचुरल एक्सटेंशन। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता बायोडाइवर्सिटी पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंशन होने के पहले हर प्लांट या एनिमल रिप्रोडक्शन द्वारा अपने जैसी ऑफ स्प्रिंग्स बना देता है वाया द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर द ए सेक्शुअल प्रोडक्शन आर द सेक्शुअल प्रोडक्शन। तो जो नेचुरल एक्सटेंशन है ये ड्यू टू एनवायरमेंट चेंज हो सकता है, नेचुरल एक्सटेंशन हो सकता है यहाँ पर लिमिटेड लाइफ स्पान के कारण, लिमिटेड लाइफ स्पान एंड इन्वायरमेंटल चेंज। कभी कभी इन्वायरमेंटल चेंज के कारण भी डेथ हो जाती है, इन्वायरमेंटल चेंज। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा है यहाँ पर मास एक्सटेंशन, मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन क्या है, अगर किसी जगह पर एनिमल या प्लांट स्पीशीज की या बायोडाइवर्सिटी की आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो, बहुत ज़्यादा तेजी से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, तो ये हो सकता है ड्यू टू नेचुरल कैलमिटीज, प्राकृतिक आपदा के कारण मास एक्सटेंशन हो सकता है। और नेचुरल कैलमिटीज़ में आपका क्या क्या आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक है ना, भूकंप आ गया सपोज करिए, अर्थक्वेक के अलावा आपके फ्लड्स आ सकते हैं, तूफान आ सकता है, फिर इसके साइक्लोन्स आ सकते हैं, चक्रवात आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है, कभी कभी मेट्राइड्स गिर जाते हैं यहाँ पर, मेट्राइड्स के कारण से हो सकते हैं, ये सब यहाँ पर मास एक्सटेंशन है। तो नेचुरल कैलमिटीज़ प्राकृतिक आपदा के कारण, इसके कारण से बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, डैमेज होता है। तो बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है बहुत ज़्यादा इसके कारण से होता है यहाँ पर। तो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, एंड दिस लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का जो एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर डायनासोर्स। आपने देखा जो डायनासोर्स थे हमारे, वो एक समय जुरैसिक पीरियड में, जुरैसिक फिल्म देखी है आपने, जुरैसिक पार्क, जुरैसिक इज द टाइम पीरियड, वो एक टाइम पीरियड का नाम है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर साल, महीना, दिन, उसी तरह से जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पर, बताइए, कल्प नाम सुना है, आर्कियोजोइक जो है एरा, ये एरा तो एरा बोलते हैं, एरा से जो छोटा होता है उसको पीरियड बोलते हैं। तो ये जुरैसिक पीरियड, जो जुरैसिक कल्प में
एक निश्चित समय में डायनासोर्स बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड थे, बहुत हैवी साइज था, और उसके बाद अचानक नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण सारे जो डायनासोर्स थे एकदम से क्या हो गए, डैमेज हो गए। तो ये जो मास एक्सटेंशन हुआ, दिस इज़ द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। एज वेल एज जो तीसरा डिस्ट्रक्शन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम यहाँ बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, ये एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है? आपने नाम सुना होगा कि जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक है, दैट इज़ कॉल्ड द बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या है ये? बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के क्रियाकलापों से जो मुख्य रूप से एक्सटेंशन हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द एंथ्रोपोजेनिक। दैट इज़ द नेचुरल कंडीशन, इस समय वर्तमान कंडीशन में सबसे ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन है, मैन मेड, क्योंकि मैन ने अपनी ग्रीड के कारण से पूरे हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दिया, को एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब कर दिया। इसके अलावा क्या किया यहाँ पर, एग्जोटिक स्पीशीज़ की वैरायटी को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके कारण से ये सारे फिनोमेनाज हो रहे हैं। और दिस इज़ द एंथ्रोपोजेनिक बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ही कंट्रोल करना सबसे मेन पॉइंट है। एक जो जू है, आपने यूएसए में, अमेरिका में एक जू है, ब्रोंक्स जू, ब्रोंक्स जू, उस ब्रोंक्स जो जू है उसके गेट पर एक मिरर लगा हुआ है। ब्रोंक्स जू के गेट पर क्या लगा है? मिरर लगा है, और उस मिरर पर लिखा हुआ है यहां पर, मिरर एट गेट। और जब आप वहां जाते हैं, उसके सामने खड़े होते हैं, तो लिखा होता है उसमें कि यू आर लुकिंग वर्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि आप संसार के सबसे खतरनाक जानवर को देख रहे हैं। आप इस कोटेशन से समझ सकते हैं कि हाउ द पोजीशन ऑफ द मैन इन द यूनिवर्स या ग्लोब, कि हम लोग कितना ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, कि जिसके कारण से आज ये कोटेशन हमारे लिए लिखना पड़ा। तो ये जो है कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो गया। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ससेप्टिबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो ससेप्टिबिलिटी का मतलब है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण से जो बायोडाइवर्सिटी है वो जल्दी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन वर्ड वाले इसमें ऐड कर दें कि एस कौन कौन से फैक्टर बायोडाइवर्सिटी को तेजी से क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो पहला तो है यहाँ पर कि लार्ज साइज, अगर साइज बड़ा है तो एक्सटेंशन जल्दी हो सकता है। इससे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर किसमें, ब्लू व्हेल में, और ब्लू व्हेल के अलावा आप और देख सकते हैं, इसे एलिफेंट है। दूसरा है यहाँ पर हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल, हायर ट्रॉफिक लेवल में क्या आता है, ईगल आता है, ठीक है ना, ईगल। और क्या आता है यहाँ पर, टाइगर या लॉयन आता है, टाइगर में लिख सकते हैं, लॉयन में लिख सकते हैं। आपको ट्रॉफिक लेवल पता है, जैसे सपोज करिए कि ये ग्रासलैंड है, ये ग्रास लगी हुई है ना, ग्रास इज ईटन बाय द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स इज ईटन बाय द बर्ड्स, और बर्ड्स इज ईटन बाय द ईगल। तो टॉप पर जो ट्रॉफिक लेवल पर जो जानवर होगा, जो एनिमल होगा, तो उस पर डैमेज होने की, एक्सटेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि नीचे वाले अगर डैमेज होते हैं तो ऊपर वाले के केवल डिपेंड है इन पर, जबकि इंसेक्ट के लिए फीडिंग मटेरियल्स और भी चीज़ हो सकती हैं, बर्ड्स के लिए और भी फीडिंग मटेरियल्स हो सकते हैं, लेकिन ईगल के लिए केवल क्या है, बर्ड्स। इसी तरह से लॉयन है टॉप कैटेगरी पर ट्रॉफिक लेवल पर, इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन की तलवार उसी पर लटकी रहती है। इसके अलावा और जो ट्रॉफिक लेवल है क्या हो सकता है, फिक्स्ड हैबिटेट
या तो हैबिटेट फिक्स हो यहाँ पर, या फिर माइग्रेटरी रूट फिक्स हो, माइग्रेटरी रूट। तो इसमें जो एग्जांपल है वो क्या है, ब्लू व्हेल है। तो अगर ब्लू व्हेल है तो उसका भी जो हैबिटेट भी फिक्स है और जो माइग्रेटरी रूट है वो भी क्या है, फिक्स है। इसके अलावा क्या हो सकता है यहाँ पर कि नैरो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और स्मॉलर पॉपुलेशन हो सकती है। तो जो यहाँ पर नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है या स्मॉलर पॉपुलेशन है, चौथा फैक्टर है यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत कम है विद लो रिप्रोडक्टिव रेट। अगर रिप्रोडक्टिव रेट भी यहाँ पर कम है तो आप देख लीजिए यहाँ पर इसका एग्जांपल क्या है, ब्लू व्हेल है, इसका रिप्रोडक्टिव रेट भी क्या है, कम है, और पॉपुलेशन भी क्या है यहाँ पर कम है, इसके कारण से इनके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर इसके अलावा हम यहाँ पर लिख सकते हैं और कौन सा एक फैक्टर आ सकता है कि साइज़ हो गया, ट्रॉफिक लेवल हाई हो गया, फिक्स्ड हैबिटेट फिक्स हो गया, माइग्रेटरी रूट फिक्स हो गया, स्मॉलर पॉपुलेशन हो गया। और स्मॉलर पॉपुलेशन के अलावा अगर आप देखें जो रिप्रोडक्टिव रेट है, रिप्रोडक्टिव रेट अगर आपका स्लो होगा तो निश्चित है कि ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और मेन जो फैक्टर्स हैं तो लार्ज साइज, हाई ट्रॉफिक लेवल, फिक्स्ड हैबिटेट एंड स्मॉल पॉपुलेशन विद लो रिप्रोडक्टिव रेट। ठीक है, तो ये जो ससेप्टिबिलिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंशन, जीवों के विलुप्त होने में ये फैक्टर्स के कारण से संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो जिनमें संभावनाएं ज़्यादा हैं, ससेप्टिबल का मतलब वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं एक्सटिंक्ट माने विलुप्त होने के लिए, दीज आर द फैक्टर्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, कि संरक्षण किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द IUCN कि एंडेंजर्ड किसे कहते हैं, एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज़ किसे कहते हैं, थ्रेटन्ड स्पीशीज़ किसे कहते हैं, आउट ऑफ डेंजर कौन सी कहलाती है, और फिर कंजर्वेशन की डेफिनेशन क्या है, और उसके अलावा एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, कैसे कंजर्वेशन करते हैं। अभी हमारे पास दो पीरियड और हैं, तो बायोडाइवर्सिटी का डिटेल डिस्क्रिप्शन इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।